हमारे अंदर है वो चीज़ जो हमने सीखा है, वो अभी तक भारत तो आया नहीं, लेकिन हम चाहते हैं भाई देखो हम भी दूसरों को सिखाएं और दूसरों का फ़ायदा हो, क्योंकि इस चीज़ के अंदर बहुत मेहनत हमने करी है, हमें स्ट्रगल इसका पीछे का पता है, हमने कितनी मेहनत कर रखी है, ठीक है ना दोस्तों। हर कबूतरबाज बंदा चाहता है कि भाई हमारे पास बाजी वाला गुड़ हो। एक गुड़ बनाया जाता है जिससे कबूतरों को खोला जाता है, जब हम कबूतरों को शुरुआत करते हैं कबूतरों को उड़ाने की, उसके कुंदे पल्ले हल्के करने के लिए। तो गुड़ है दोस्तों बहुत ही स्पेशल ये वाला जो आज आपके लिए मैं वीडियो में लेके आया हूँ, और बाखुदा और मैं जानते हैं चीज़ को, खुद अल्लाह ताला जानता है और मैं जानता हूँ कि इस चीज़ मैंने आपके सामने कोई नई चीज़ नहीं छुपाई को कुछ। अब बात कर लेते हैं कि कबूतर को चालू किस तरीके से करा जाएगा दोस्तों, और कबूतर पर गुड़ किस तरीके से लगाया जाएगा। जब आपको लग रहा है कि भाई हमारे कबूतर 10 दिन में उड़ना शुरू हो जाएंगे, 10 से 12 दिन में, तो वो 10 से 12 दिन पहले तो उनको धूप लगाएं आप। अस्सलामुअलैकुम, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, और मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ चौधरी। और सही भाई कैसे हैं, सब बढ़िया जी। दोस्तों एक और वीडियो के साथ आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है दोस्तों। हर कबूतरबाज बंदा चाहता है कि भाई हमारे पास बाजी वाला गुड़ हो। एक गुड़ बनाया जाता है जिससे कबूतरों को खोला जाता है, जब हम कबूतरों को शुरुआत करते हैं कबूतरों को उड़ाने की, उसके कुंदे पल्ले हल्के करने के लिए। और जब हमारी बाजी दूसरे या तीसरे दिन पर पड़ जाती है तो उस गुड़ का बहुत काम रहता है दोस्तों उस चीज़ में। काफ़ी भाइयों को उस चीज़ का नहीं पता, तो जिनको नहीं पता आज इस वीडियो को आप ध्यान से देख लें। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हाँ भाई हमारी कबूतरबाजी में काफ़ी मज़ा आ रहा है हमको ये चीज़ सभी करने में, ठीक है ना। तो ज़्यादा टॉपिक को हम दोस्तों इधर उधर नहीं घुमाते, और शुरू करने से पहले भैया छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें पहले आप। इधर देखिए सब्सक्राइब लिखा आता है, ब्लैक कलर में आने लगा, और घंटी को ऑल पे कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले जब भी आप अपना नेट चालू करेंगे। और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें दोस्तों, इधर देखिए इंस्टाग्राम का हमारा पेज आ रहा होगा, जो हम अपने कबूतर सेल करते हैं। आप सभी को पता भी होगा हम पंजाबी मलबे बच्चे सेल करते हैं जिनकी गारंटी 8 से 12 घंटे की होती है। पट्टी भी सेल करते हैं, ठीक है दोस्तों, जोड़े बना बना के। अभी अभी हमने 2 जोड़े कलकत्ता पहुँचाए हैं, और वो वीडियो जाके आप देखें, आसिफ चौधरी पीजेंस जो मेरा सेल वाला अकाउंट है उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो गुड़ है दोस्तों बहुत ही स्पेशल ये वाला जो आज आपके लिए मैं वीडियो में लेके आया हूँ, और बाखुदा और मैं जानते हैं चीज़ को, खुद अल्लाह ताला जानता है और मैं जानता हूँ कि इस चीज़ मैंने आपके सामने कोई नई चीज़ नहीं छुपाई। देखो हम ये चाहते हैं कि जो हमने सीखा है, देखो हमारे अंदर है वो चीज़ जो हमने सीखा है, वो अभी तक भारत तो आया नहीं, लेकिन हम चाहते हैं भाई देखो हम भी दूसरों को सिखाएं और दूसरों का फ़ायदा हो, क्योंकि इस चीज़ के अंदर बहुत मेहनत हमने करी है, हमें स्ट्रगल इसका पीछे का पता है, हमने कितनी मेहनत कर रखी है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो ये तो ज़्यादा बड़ी बात हो जाएंगी, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ऊपर वाला जानता है और मैं जानता हूँ कि इस चीज़ मैंने आपको कोई चीज़ नहीं छुपाई जो चीज़ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है वैसे अपनियों में। तो चलते हैं, अपना पेपर नोट कर लीजिए सभी चीज़ें आप, और ध्यान से सुन लेना, दो दो बार नाम बताऊंगा भी सबके। सभी चीज़ें पंसारी की दुकान पर मिलेंगी, क्या फ़ायदा होगा, बनाने का तरीका क्या होगा, सब आपके साथ में मैं चीज़ें शेयर करूंगा दोस्तों। सबसे पहले फिटकरी लेनी है जी, कच्ची फिटकरी 1 तोला, ये सभी चीज़ें आपको 1-1 तोला ही लेनी है, जो कम चाहिए होंगी वो मैं अभी आपको बता दूंगा। फिटकरी चाहिएगी जी 1 तोला सफ़ेद फिटकरी जो पंसारी की दुकान पर मिलेगी, ठीक है, फिटकरी हो गई। उसके बाद होगी सुंड, सुंड जो सूखी सी अदरक आती है, एक सोटा अजवाइन जैसे उसको हम बोल देते हैं, सूखी अदरक आती है, ये भी आपको 1 तोला चाहिएगी। उसके बाद चाहिए आपको बड़ी इलायची, बड़ी इलायची भी आपको 1 तोला ही लेनी है। दालचीनी 1 तोला, छोटी पीपल 1 तोला, बड़ी पीपल 1 तोला, लोहा भसम ये आपको 1 तोला ही लेनी है, इसकी सीसी आएगी लोहा भसम की, आपको पंसारी दुकान पर मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगा वैसे मैं कुछ चीज़ों के फ़ोटो इस स्क्रीन पर ला दूं ताकि आप देख देख कर उन चीज़ों को पंसारी को दिखा के ले सकें। लोहा भसम ये आपको 1 सीसी चाहिएगी। और जी काली मिर्च के दाने आपको चाहिएंगे जी, इसमें 15 दाने काली मिर्च के चाहिए, और सफ़ेद मिर्च जिसको हम दखनी मिर्च बोलते हैं उसके आपको 15 दाने चाहिए। चांदी की वर्क आपको चाहिए 50 पीस, चांदी की वर्क 50 पीस लेने हैं आपको। सोने की वर्क लेनी है आपको 15 पीस, 15 पीस ना मिले तो कम से कम 5-10 पीस तो डालें ही डालें आप, काफ़ी भाई लोभ कर जाते हैं। देखो पैसा खर्च होता है जब भी कबूतरबाजी निखार में आती है, अगर आप सोचेंगे 500 में कबूतरबाजी बढ़िया कर लेंगे तो वो नहीं हो पाने की। सोने की वर्क हो गया आपकी 10 पीस, शहद हो गया आपका 1 सीसी शहद ले लेना, छोटी मक्खी का चाहे बड़ी मक्खी का, लेकिन हो ओरिजिनल शहद।
लौंग लेनी है आपको आधा तोला लौंग, उसके बाद ये शिलाजीत लेनी है आपको एक तोला 10 ग्राम। एक तोले का मतलब होता है दोस्तों 10 ग्राम। कभी कभी कन्फ्यूज रहे कि भाई एक तोला कितना होता है, तो एक तोला 10 ग्राम होता है। पुराना गुड़, जो पुराना गुड़ होगा जिसमें सामान मिलाकर दिया जाएगा, वो लेना आपको 300 ग्राम, पुराना गुड़ 300 ग्राम। देसी घी, देसी घी जरूरत के हिसाब से डालना है आपको, मैं बताऊंगा किस तरीके से डालना है। एक बार फिर से चीज़ों का नाम नोट कर लीजिए, फिर बता देता हूँ आपको मैं। फिटकरी एक तोला, सुंड एक तोला, बड़ी इलायची एक तोला, दालचीनी एक तोला, छोटी इलायची नहीं अपना छोटी पीपल, छोटी पीपल एक तोला, बड़ी पीपल एक तोला, लोहा भस्म एक तोला, काली मिर्च के दाने 15, सफ़ेद मिर्च के दाने 15, चांदी की वर्क आपको 50 पीस, सोने की वर्क 10 पीस कम से कम, शहद 1 cc बढ़िया वाली, लौंग आधा तोला, और शिलाजीत 10 ग्राम, गुड़ 300 ग्राम, देसी घी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, ये चीज़ें हैं टोटल 16। अब इसको बनाना कैसे है दोस्तों और लगाना कैसे है कबूतरों पर, मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा वीडियो, बनाने की कोशिश करूंगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। सभी चीज़ों का आपको पहले पाउडर करना है दोस्तों, जो पाउडर करने वाली चीज़ें हैं इनमें से पहले आपको करना क्या है, फिटकरी जो है आपको पहले फिटकरी अलग तवे पर रख लेनी है, जो आपकी फिटकरी होगी तवे पर रख के उसके नीचे मंदी आग जला दें, उसके ऊपर वो खिल हो जाएगी, यानी कि पानी पानी से उसका वहाँ बन जाएगा, उसको उतार के इमाम दस्ते में डाल के हल्का हल्का कूट लें, उसको एक तरफ रख लें पहले आप, ये इस तरीके का होगा। बाकी जो सुंड, बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी पीपल, बड़ी पीपल, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और जी आपका लौंग, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको बिल्कुल बढ़िया करके पाउडर कर लेनी है। लोहा भस्म, इनको बढ़िया करके पाउडर कर लें आप, बिल्कुल पीस के पाउडर कर लें, और पाउडर करके इसको एक दिन आप पहले धूप लगाएं, इस सामान को जो आपका जड़ी बूटी वाला सामान है सारा, इसको एक दिन पहले छत पर रख के धूप लगाएं, अच्छे तरीके से सुखा लें पहले इसको। उसके बाद चीज़ें बच जाती हैं जी, गुड़, देसी घी, शिलाजीत, ये तीन चीज़ें इसमें बच जाती हैं, हाँ, और चांदी की वर्क, सोने की वर्क, ये चीज़ें बच जाती हैं, ये चीज़ें आपको बाद में मिलानी है इसके अंदर। अब इसमें करना क्या, जो सूखा सूखा सामान आपने अच्छे तरीके से मिला लिया, और फिटकरी भी उसमें मिला देना पीस के बढ़िया करके। उसके बाद कोई कढ़ाई ले लेना दोस्तों, आप कोई कढ़ाई ले लेना, जो 2-2.5 किलो कढ़ाई आप समझ गए होगे जिसमें हम खाना वाना पकाते हैं, उसके अंदर आप देसी घी डाल देना तकरीबन 5-6 चमची। जब आप देसी घी डालेंगे उसके अंदर, उसके बाद वो जो गुड़ है ना हमारा, गुड़ दोस्तों दो तरह का आता है, एक तो पिलकावा गुड़ होता है, पिलकावा जो होता है जो बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट होता है, उसको गोली बना बना के दे देते हैं, एक आता है पुराना ढैया टाइप, तो ढैया को हमको उसमें आग में डालना पड़ता है कढ़ाई में, ताकि वो उसका लिक्विड बन जाए। तो अगर हार्ड वाला है आपके पास तो उसके अंदर डाल दें आप हार्ड वाले को, और उसके अंदर शिलाजीत भी घेर दें, ठीक है, और उसको चलाएं अच्छी तरीके से, उसकी चाशनी सी बन जाएगी, वो पिलपिला हो जाएगा गुड़ सारा। अगर वो हार्ड हो रहा हो, आपको दिखने में लग रहा थोड़ा हार्ड हो रहा, तो घी थोड़ा थोड़ा और घेरते रहें घी, इसलिए घी मैंने बोला था हजबे ज़रूरत, यानी ज़रूरत के हिसाब से हमको गुड़ चाहिएगा, वो घी चाहिएगा देसी घी। तो देसी घी आप चाहे 7 चमची 8 चमची तक आपका गिरेगा, जितना भी गिरेगा मैक्सिमम इतना ही गिरेगा। तो दोस्तों इनका जैसे उसका जो वो मटेरियल पूरा हमारा बन के तैयार होगा, जो हमारा गुड़ है जब उसमें गर्म हो गया थोड़ा पिलक गया, तो उसको आपको क्या करें, एक तरफ उसको उतार के रख लें पहले आप एक थाली में, उसको ठंडा कर लें सारे को खुर्च के चमची से अच्छी तरीके से। उसके बाद में उसको सामान किस तरीके से आपको डालना है दोस्तों, जो आपका सूखा सूखा सामान है, जो हमारा सूखा सामान हमने एक कटोरी में करके रख लिया, उसको पहले आप एक तरफ रखें। पहले गुड़ के अंदर आपको चीज़ें क्या क्या मिलानी है, गुड़ के अंदर जो चीज़ें आपको मिलानी है, पहले शहद ले लें आप 10 ग्राम, उसको साइड पर रखें, और चांदी की वर्क जो सोने की वर्क है पहले आप उसको डालें गुड़ के अंदर, उसको मिलाएं इस तरीके से, उसको मिलाएंगे इस तरीके से। जब वो दोनों चीज़ें आपके मिल जाएं इस तरीके से, फिर डाल दें वो जो हमने सूखा सूखा सामान सारा अपना पाउडर करा है उन सभी चीज़ों को डाल दें, फिर उसको हाथ से मिलाएं अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मिलाना है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना आप। उसके बाद उसमें घेर दें 10 ग्राम शहद, 10 ग्राम शहद घेर दें, शहद को भी अच्छी तरीके से मिला लें उसको। तो ये चीज़ें हो गई सारी लगभग लगभग दोस्तों, ठीक है ना, हाँ। तो सभी चीज़ों को फिर अच्छी तरीके से आप बहुत बढ़िया तरीके से हाथ से ऐसे ऐसे करें, बढ़िया करके उसको रोल करें, मतलब आप मेरी बात समझना चाह रहे होगे, एक हलवा टाइप उसको आपको बना दें, बिल्कुल मिक्स कर दें इस चीज़ को, ताकि आप इतना सा तोड़ें तो आपको पता लग जाए कि इसके अंदर हर एक चीज़ मिली हुई है, और चीज़ आपको सारी बारीक कूटनी है। जब आप उसको बना लेंगे तो वो लगना ऐसा चाहिए चमन प्रास होता है, चमन प्रास, आप मेरी बात समझ गए हो, चमन प्रास जैसा वो लगना चाहिए, ठीक है ना, और वैसे ही महक मारेगी उसमें से भी, आप देख लेना हल्का सा टेस्ट करके देख लेना। तो ये सभी चीज़ें अच्छी तरीके से आपको मिला के एक डब्बे में पैक करके रख लेना है, डब्बा उस डब्बे को ज़्यादा हवा ना लगे, क्योंकि ज़्यादा हवा लगने से फिर ये बेकार होगा, हार्ड होना शुरू हो जाएगा ये, तो इसलिए आपको
घी कम भी नहीं गिरना और ज़्यादा भी नहीं गिरना, उसके हिसाब से देखना ताकि मुलायम बना रहे और डब्बे में पैक करके रखें इसको जो है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा प्रोसेस हो गया कम्प्लीट, गुड़ बनाने का तरीका हमारा हो गया पूरा कम्प्लीट, किस तरीके से गुड़ बनाया जाता है सही तरीके से। अब बात कर लेते हैं कि कबूतर को चालू किस तरीके से करा जाएगा दोस्तों, और कबूतर पर गुड़ किस तरीके से लगाया जाएगा। जब आपको लग रहा है कि भाई हमारे कबूतर 10 दिन में उड़ना शुरू हो जाएंगे, 10 से 12 दिन में, तो वो 10 से 12 दिन पहले तो उनको धूप लगाएं आप, बढ़िया धूप लगानी है कम से कम 2 घंटे के दिन में, 11 बजे से 1 बजे तक बढ़िया धूप लगाएं उनको आप, ठीक है ना। फिर जब आपको धूप लगा ली, आपको लग रहा है कल सुबह हमें अपना कबूतर उड़ाने हैं, तो कबूतरों को खोलने पहले जिनके जाल पिंजरे बने हुए होते हैं उनके अंदर खोलने पहले उनको आप, वो ऊपर नीचे उड़ते रहेंगे। और जो भाई छतरी का शौक करते हैं पिंजरे का, तो एक एक कबूतर आप छतरी पे बिठाएं, हल्का फुल्का उसको उड़ाएं, वो ज़्यादा तो उड़ेगा नहीं, 2-4 चक्कर लेकर उड़ेगा। बाजी बाजी कोई कोई कबूतर ऐसा होता है उड़ते 2-4 घंटे बना के बैठता है पहले फड़क में, या घंटे 1.5 घंटे के प्लस बैठता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आपको। अच्छी तरीके से पहले आप एक एक दो दो करके अपने कबूतर उड़ा उड़ा के उतार लें। जो कबूतर आपके उड़ के उतरते रहें उनको चने से थोड़ा सा कम, चने जितना चना होता है, एक चना होता है मोटा, एक चना होता है छोटा, जो छोटा काला चना होता है ना उसके साइज़ का एक कबूतर को गुड़ देना आपको उतरने के 5 मिनट के बाद। जब कबूतर आपका उड़ के उतरा, उसको थोड़ा सा गुड़ दिया हमने चने के बराबर इसमें से निकाल के, और कबूतर को 10 से 15 मिनट के लिए धूप में हमने रहने देना है। 10 से 15 मिनट कबूतर को धूप में रहने देना है, इस तरीके से कबूतर की आपको गुड़ देना है। और जब आप गुड़ देंगे कबूतरों को, तो गुड़ दिया जाएगा कबूतर को 5 से 6 दिन। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन चीज़ों को इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार ध्यान से सुन लें आप, क्योंकि जो भाई इस चीज़ को बनाएंगे यूज़ करेंगे तो मैं चाहता हूँ सही तरीके से करें आप, ठीक है ना। तो 5 से 6 दिन कबूतर को देना, और 5 से 6 दिन कबूतर को रेगुलर ही आपको दरवे से बाहर निकालना है। आज आपने उड़ाया, कल भी, परसों, तरसों, फिर रोज़ आपको उड़ाना है कबूतर को सही तरीके से, मतलब बढ़िया तरीके से, डंडा वंडा नहीं दिखाना, नॉर्मल अपनी मर्जी से जितना उड़ के उतरते रहें। ऊपर वाले ने चाहिए आपके कबूतर 5 से 6 फड़क में 3-3.5 घंटे के प्लस उड़ जाएंगे अच्छी तरीके से। इस गुड़ से फ़ायदा कबूतर का ये होगा, जो एक्स्ट्रा चर्बी है कबूतर की वो निकल जाएगी, कबूतर के पल्ले कुंदे हल्के हो जाएंगे, कबूतर का जिस्म हल्का हो जाएगा, और कबूतर उड़ान पे जल्दी आने की पूरी पूरी उसकी कोशिश रहेगी। ठीक है जी, 5 से 6 दिन के बाद ये गुड़ आपको नहीं देना अपने कबूतरों को, क्योंकि ज़्यादा देने से कबूतर ख़राब भी हो जाते हैं भाई। कोई भाई सोचें भाई गुड़ दिए जाएँ हर फड़क पर दिए जाएँ, भाई कबूतर ख़राब हो जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना थोड़ा सा। तो आपको मैंने बनाने का तरीका बताया, लगाने का तरीका बताया, उसकी दिया कैसे जाएगा आपको, वो सब मैंने डिटेल में आपको पूरी पूरी बता दिया है। बाकी अगर आपको कोई सवाल रह जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि मैं हर एक वीडियो आपके लिए अच्छी अच्छी लेकर आता रहूं। और जो कच्चा कबूतर होता है उसकी संभाल जिस तरीके से करी जाएगी वापसी की, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो वो वीडियो मैं अगली बनाऊंगा, उस वीडियो को आप ध्यान से पूरी देख लेना दोस्तों, ठीक है। इसलिए कोई वर्ड कोई पॉइंट अगर रहेगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मेरी तरफ से तो कोई नहीं रहा होगा। बाकी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।